ये लौकी का पेड़ है। आज हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे लौकी में कि अमूमन हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि लौकी में थोड़ा सा फ्रूट बनता है और उसके बाद वो फ्रूट जो है सूख जाता है, गल जाता है, तो उसकी शिकायत करते हैं कि हमारे फील्ड में जो है कोई इंसेक्ट लगा है या कोई डिजीज लगी है जिसकी वजह से ये सूख रहा है। लौकी में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें मेल और फीमेल दो फ्लावर्स होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर फीमेल, तो फ्रूटिंग जो है हमेशा फीमेल फ्लावर में होती है। ये जैसे ये देख लो, ये है मेल फ्लावर जिसमें पीछे कोई फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा फ्लावर है, ये सूख गया है तो ये मेल फ्लावर है। इसमें दूसरा फ्लावर मैं आपको दिखाऊंगा, ये है जिसमें हल्का सा फ्रूट बन चुका है, या ये देखिए ये हल्का सा फ्रूट बना है इसमें, ये फीमेल फ्लावर है। तो जब ये फ्लावर बनेगा, फ्लावर बनने के बाद ये मेल फ्लावर से पॉलिनेट होगा, अगर ये पॉलिनेट हो गया तो इसमें जो है फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, घिया जो है लौकी जो है तैयार होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई मेल फ्लावर के साथ, या हमारा कोई पॉलिनेटर इंसेक्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से नहीं होती है, तो ये इस टाइप का फ्रूट या इस टाइप का फ्रूट बनने के बाद ये सूखने लग जाता है, ब्लैकिश कलर में हो जाता है, जो यहाँ पर अभी तो कोई नहीं है, ब्लैकिश होने लग जाता है। तो उसमें हमारा किसान भाई सोचता है कि मेरे प्लांट में जो है फील्ड में जो है कोई डिजीज़ या इंसेक्ट लग गया है जिससे फ्लावर जो है ये फ्रूट जो है सूखने लग गया, तो यह वो नहीं होता। अगर किसी किसान भाई के पास अगर पॉली हाउस है या कोई ऐसी जगह है जिसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, तो उसको अगर यह प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आज हमारे पास गांधी गूल से एक सैंपल आया था जिसमें ये फीमेल फ्लावर जो था थोड़ा सा बनने के बाद ये सूख गया था, तो वहाँ पर हमें कंप्लेंट आ रही थी कि वो इसमें कोई डिजीज़ लगी है। तो उसमें आप हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जब ये मेल फ्लावर जो खिला होता है तो उसको क्या करना है, शाम के टाइम उसको या सुबह के टाइम उसको तोड़ के तो फीमेल फ्लावर के साथ इसको पॉलिनेट कर देना है, सेल्फ पॉलिनेशन इसको कहेंगे, कि अगर वहाँ पे कीड़े वगैरह या विंड वगैरह नहीं है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है कुछ है, तो वहाँ पे आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद जो है उसमें जो है फ्रूट जो है बनने लग जाएगा, वो सूखेगा नहीं। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, इसमें बड़ा नरम लौकी जो है तैयार है। यहाँ भी देख सकते हैं इस साइड, यहाँ भी इसमें बहुत अच्छा फ्रूट आया है, हर जगह तकरीबन आपको फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिलेगी।